बिलासपुर में सोमवार की शाम कलेक्ट्रेट के सामने जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। भाइयों ने मिलकर बेसबॉल बैट रॉड से हमला कर दौड़ा दौड़ा कर दो भाइयों को मारते रहे। इस दौरान हमलावरों ने पेट और जांघ में चाकू मार दिए, जिससे वे खून से लथपथ होकर घायल हो गए। उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिविल लाइन पुलिस ने हमलावरों पर बलवा और जानलेवा हमला करने का केस दर्ज किया। जरहावाटा मेन रोड में रहने वाले शेख मोहम्मद कंप्यूटर और फोटोकॉपी की दुकान चलाते हैं। शेख मोहम्मद और उसके भाई शेख खलील सहित अन्य भाइयों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। उनका यह विवाद नजूल अधिकारी के न्यायालय से लंबित है, जिसकी सोमवार पेशी थी। केस में शेख जहजादा उर्फ सज्जू की गवाही होनी थी। कोर्ट में गवाही देने के बाद शाम करीब 5 बजे कलेक्ट्रेट के सामने शेख मोहम्मद, उसका भाई शेख शहजादा उर्फ सज्जू, शेख जलील और शेख मकसूद उर्फ बादशाह चाय पी रहे थे। उसी समय शेख खलील, शेख इब्राहिम, शेख इस्माइल, शेख इमरान, शेख इरफान, शेख आमिल, शेख आदिल और शेख अब्बास आ गए। हमलावरों ने उन्हें बोला कि तुम लोगों को आज जान से मार देंगे। इस दौरान उन्होंने शेख शहजादा पर चाकू, रॉड और स्टिक से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह खून से लथपथ होकर घायल होकर जमीन पर गिर गया। हमलावरों ने बादशाह को भी दौड़ाकर रॉड से हमला कर पेट में चाकू मार दिए। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पिछले एक साल से लोग सता रहे हैं, इमामबाड़े में ताला लगा दिए है, गाड़ी कब्जा करके खड़े कर दिए है और फौती के लिए नाम चढ़ा है शेख खलील, शेख इस्माइल, शेख इब्राहिम। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।